नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर लगातार आंगनबाड़ी कर्मियों का हड़ताल धरना प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल एक खबर आप देख रहे हैं, नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 15 मार्च से चल रही है। हड़ताल के 13वें दिन भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने वर्तमान समय में पड़ रही चिलचिलाती धूप में जो है धरना प्रदर्शन किया है। कहीं थाली बजाई तो कहीं नारेबाजी कर अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश की गई है। देखिए किस तरीके से जो है अलग अलग जो है जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। 1 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन बनाकर प्रदर्शन किया गया। कटनी में मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों ने 15 मार्च से जो है हड़ताल पर चली गई और लगातार अलग अलग तरीके से विरोध कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज जो है कलेक्ट्रेट के सामने 1 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन बनाकर प्रदर्शन किया। हड़ताल में परियोजना अधिकारी सहित सुपरवाइजर भी सम्मिलित रहे। इसी के साथ ही आपको बता दें, रतलाम में नारेबाजी भी की गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में नारेबाजी कर बनाई गई मानव श्रृंखला, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला पंचायत कोर्ट तिराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की गई। इसके बाद रैली के रूप में आगे बढ़ते हुए अपनी मांगों को लेकर जो है कलेक्टर कार्यालय पहुंची और 30 वर्षों से लंबित मांग को जो है पूरा किए जाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें, इस तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले। मध्य प्रदेश में लगातार जो है दो तीन सप्ताह से अधिक हो गया है प्रदर्शन करते करते। वहीं हम देख रहे हैं देवास में भी, आपको बता दें यहाँ पर आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर पुलिस लाइन मैदान में बड़ी संख्या में एकत्रित हुआ और यहाँ पर भी जो है प्रदर्शन किया गया। प्रमुख मांग में नियमितीकरण, अनुकंपा, नियुक्ति और ग्रेड पे की मांग जो है की जा रही है। कहा जा रहा है कि 30 वर्षों से लंबित मांग है। वहीं आपको बता दें, शाहजहाँपुर में भी जो है इसी तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला। यानी कि मध्य प्रदेश के लगभग जनपदों में, अलग अलग जनपदों में जो है धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। क्या सरकार आपकी सुन पाएगी या फिर नहीं, जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।